हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके कैजुअल्स किचन। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कलरफुल पूरी की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और अगर आप मेहमानों को बना के खिलाएंगे ना तो बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी। कलरफुल पूरी का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं हेल्दी एंड टेस्टी कलरफुल पूरी। ग्रीन कलर बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने पालक, जिसे मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। ये लगभग एक मुट्ठी है। आपको जितने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो आप उस हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी रखिए। और अब इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए, पालक हमारी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया नेचुरल कलर आया है। पालक को अब हमें छान लेना है, छानकर इसका जूस निकाल लेना है। ये देखिए, पालक का जूस कितना बढ़िया तैयार हुआ है। और अब हम तैयार कर लेंगे ग्रीन कलर का डो पालक के जूस से। ग्रीन डो बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा लगभग 2 कप। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, जिससे कि पूरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी अजवाइन, और आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पालक का जूस, थोड़ा थोड़ा जूस ऐड करेंगे ताकि आटा हमारा गीला ना हो एक बार में, और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम। आटे को हम जितने अच्छे से गूंदेंगे ना उतनी ही अच्छी और उतनी ही सॉफ्ट फुली फुली पूरियाँ बनेंगी। तो फटाफट आटे को हम अच्छे से गूंद लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डो लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिससे कि आटा जल्दी ही चिकना हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम येलो कलर का डो बना के तैयार कर लेंगे। येलो कलर का डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड करी है 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। बस इसको भी हम उसी प्रोसेस से गूंद देंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और ये देखिए हमारा येलो कलर का डो बन के तैयार हो चुका है। 100% नेचुरल कलर है। ये देखिए, दोनों डो कितने ही बढ़िया लग रहे हैं ना। एक डो तैयार किया हमने पालक के जूस से, और एक हल्दी और पानी से, और एक नॉर्मल रोटी जैसे हम रोज़ बनाते हैं वैसे। और ऑरेंज डो तैयार किया है मैंने ऑरेंज फूड कलर से। आप चाहें तो ऑरेंज कलर स्किप भी कर सकते हैं, 3 कलर से ही पूरियाँ तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चुकंदर के जूस से पिंक कलर का डो बना के तैयार कर सकते हैं। अब सभी कलर की पूरियों को हम एक ही साइज़ में बेल लेंगे। अगर एक साइज़ ना हो तो आप किसी ढक्कन के हेल्प से काट लें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। अब मैं बेल रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर की पूरी, जो मैंने ऑरेंज फूड कलर से बनाई थी। ये देखिए, सारी पूरियाँ बेल ली मैंने। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और फिर इसे बराबर कर लेंगे हम। और अब इसे हम मोड़कर इसको अंदर की तरफ अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं, और इसके आगे का पार्ट हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने मोड़कर इसका रोल बना लिया है बहुत ही अच्छे से दबा दबा के, और हमारी एक भी पूरियाँ खुली नहीं है। और इस तरह से हम काटकर इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और इस तरीके से हम आटा या तेल लगा के इन पूरियों को बेल लेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा के इन्हें बेल सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। हार्ट शेप पूरी बनाने के लिए हमें गोल पूरी बनानी है, जैसे हम बनाते हैं, और फिर इस तरीके से उंगली की हेल्प से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, तो आपका हार्ट शेप बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, फिंगर से मैंने इसे अंदर की तरफ ऐसे प्रेस कर दिया था, और फिर इसे एक बार हम बेल लेंगे। ये देखिए, हार्ट शेप पूरी बनके तैयार हो चुकी है। हमारी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका, और बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनके तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गर्म करके रख लिया है। ये ऑयल मैं एक बार यूज कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें काले काले से निशान दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने पालक और हल्दी की पूरी भी सिंपल सी बना के तैयार कर ली है। अब हम पूरी को करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पालक की पूरी टेस्टिंग के लिए।
ये देखिए ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से हो चुका है, पालक की पूरी एकदम फुली फुली सी निकली है। और इसी तरीके से हम ये वाली पूरी भी निकाल लेंगे। सारी पूरियाँ एकदम गुब्बारे जैसी फूल रही हैं, बहुत ही बढ़िया पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए ये नेचुरल कलर की कलरफुल पूरियाँ बनाएं और उन्हें दें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। या फिर गेस्ट आने पर भी आप ये पूरियाँ बना सकते हैं, एकदम यूनिक सी है, हर किसी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचेगी। सो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।